यार ये उस्मान भाई रेडी हो गए लेकिन लेट हो गए, 7:15 का टाइम हो गया है, 5 बजे का टाइम दिया था ने हमें लेट कर दिए। असल बात जो तो 7:15 बजे मानसेरा से निकल रहे हैं। चले सामान पूरा रख लिया बारबेक्यू का भी। वेलकम टू अनदर व्लॉग, आपको अहमदनामा यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको लेके जाएंगे मानसेरा से नारायण बाजार तक, तो आप इस व्लॉग को एंड तक देखें और हम आपको पूरा रास्ता समझाएंगे और बीच में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं वो आपको हम बताएंगे। तो अभी इस वक्त जो हम ट्रैवल कर रहे हैं ये कराकरम हाईवे है। कराकरम हाईवे का आपको मैं बताता चलूं, इसको हम N35 के नाम से याद करते हैं और ये गिलगित और बशान तक जाती है, लेकिन जो हमारा सफ़र है वो नारायण और कागान की तरफ है। तो मानसेरा से जो ये नेशनल हाईवे 15 स्टार्ट होती है ये हमें नारायण कागान तक लेके जाती है, तो हम इस पर ट्रैवल करेंगे। आपको ये बताता चलूं कि ये हाईवे तकरीबन 240 किलोमीटर लंबी है, जो कि मानसेरा से स्टार्ट होती है और चिल्लास जो कि गिलगित बल्तिस्तान में है वहाँ पे जाके ये ख़त्म होती है। तो हमारा जो सफ़र है इसमें अभी हम चिट्टा बट्टा, अतर शीशा, बसियाँ और जाबा से होते हुए देखें दरिया कुनार के बिल्कुल करीब करीब आ गए हैं और बालाकोट के मकाम तक पहुँच चुके हैं। बालाकोट मानसेरा से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। तो ये जो है हम इस वक्त कुनहार रिवर पे बालाकोट ब्रिज के सामने खड़े हुए हैं और तकरीबन हमने अपने 1 घंटे का सफ़र कर लिया है और अभी हमारा जो नेक्स्ट स्पॉट होगा वो हम किवाई वाटरफॉल पे रुकेंगे। तो व्यूवर्स, बालाकोट पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आपको ये बताता चलूं कि बालाकोट जो है वो मानसेरा से तकरीबन 39 किलोमीटर दूर था और तकरीबन हमें 1 घंटा यहाँ तक पहुँचने में लग गया था। अब हम बालाकोट के इस ब्रिज जिसको हम अयूब बालाकोट ब्रिज कहते हैं, जो दरियाए कुनहार पर है, इसको क्रॉस कर रहे हैं और उसको क्रॉस करके हम आगे की तरफ जाएंगे। हमने जाना तो किवाई तक है लेकिन देखेंगे अगर रास्ते में कोई अच्छा सा आबशार मिला तो वहाँ रुकेंगे। तो ये देखें टॉप से आपको जो है वो दरियाए कुनहार और बालाकोट सिटी का पूरा मंजर नज़र आ रहा होगा, जिसको हम लोग तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मौसम जून के महीने में बहुत ज़बरदस्त है और ये ड्राइव बहुत ही अच्छी लग रही है और हम अपनी आगे की मंजिल की तरफ जा रहे हैं और अब हम जाके आगे किवाई पे स्टे करेंगे। तो ये न्यू आबशार कैफ़े घनोल पे हमने जो है वो स्टे किया है। आपको बताता चलूँ कि ये जो है वो किवाई से पहले एक वाटरफॉल आता है जो कि गूगल पे आपको न्यू वाटरफॉल ट्राउट पॉइंट के नाम से मिलेगा। तो यहाँ पे व्यू बहुत ज़बरदस्त था और हमने फैसला किया कि हम यहाँ रुक के कुछ देर टाइम स्पेंड करेंगे और यहाँ पे हम चाय पियेंगे और देख आपको बताएंगे कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अहमद, अहमद कहाँ पर आए हो? ये बहुत अच्छा वाटरफॉल है, यहाँ पे अभी हम बैठ के जो है ना वो चाय पियेंगे, ठीक है? इंजॉय कर रहे हो आप? आ जाओ, शूज़ उतारने पड़ेंगे आपको। तो नारायण के रास्ते में जाते हुए मैं बहुत से वाटरफॉल मिलेंगे। तो ये हम बालाकोट से आगे 20 किलोमीटर एक जगह पे रुके हैं जहाँ पे ये ज़बरदस्त किस्म का वाटरफॉल है और देखें बैठने की भी अच्छी जगह है, किवाई की तरह का ही है। तो अब यहाँ हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। देखें आप ये वाटरफॉल का साउंड फील करें और यहाँ का वेदर और यहाँ बैठ के आप गरम गरम जब चाय पियेंगे तो आपको नारायण के रोड जाने का मज़ा आ जाएगा। तो इस वाटरफॉल पे टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम जा रहे हैं आगे और आपको आप किवाई वाटरफॉल पे रोक के बताएंगे। तो आप हमारी वीडियो देखते रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और मेरे चैनल अहमदनामा को सब्सक्राइब करें। तो ये न्यू आबशार कैफ़े घनोल पे हमने जो है वो चाय पी है और ये बड़ा अच्छा वाटरफॉल था और चाय इनकी ज़बरदस्त थी। तो आप अगर किवाई पे जाते हैं तो यहाँ भी रुक के आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें और काफ़ी अच्छी चाय है। तो अब हम अपना सफ़र जो है वो किवाई की तरफ जारी रखेंगे और आपको थोड़ा बताता चलूँ, आप आगे एक साइन बोर्ड लगा है इस पे इस वक्त नारायण जो है वो 67 किलोमीटर है और कागान 44 किलोमीटर है। तो ये तो था हमारा मानसेरा से नारायण के वीलॉग का पार्ट 1। नेक्स्ट वीलॉग में और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।